एफ एक्स इक्वल टू में यहाँ दिया हुआ है 2x³ + 5 ऑन आर। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब लगा दिया था, अगर आप x का वैल्यू प्लस में बढ़ते जाएंगे तो एफ एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और x का वैल्यू माइनस में घटते जाएंगे तो एफ एक्स का वैल्यू घटते जाएगा, क्योंकि क्यूब है। प्लस में रखेंगे तो प्लस में आते जाएगा, माइनस में रखेंगे तो इधर माइनस में डिक्रीज हो जाएगा, तो बढ़ाने पर बढ़ेगा घटाने पर घटेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंक्रीज व्हेन द वैल्यूज ऑफ एक्स इंक्रीज्ड। ठीक है, सो एफ एक्स डज नॉट हैव द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। फिर उसके बाद लिख सकता है कि द वैल्यू ऑफ एफ एक्स डिक्रीज व्हेन द वैल्यूज ऑफ एक्स डिक्रीज्ड। सो एफ एक्स डज नॉट हैव द मिनिमम वैल्यू, यानी कि इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना ही मिनिमम वैल्यू होगा। चलिए।